हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो काफ़ी दिनों के बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ। वैसे मेरा पुराना व्लॉग था, वो 4-5 दिन पहले डाला था मैंने, बट अभी काफ़ी दिनों के बाद कर रहा हूँ। और ये देखो, अंदर वहाँ पे अंधेरा आ रहा होगा, यहाँ पे सही है। ये मैं वन प्लस के उसमें गया सर्विस सेंटर में, और मैंने लीड सुधारने को दी थी उनको, लोगों को उन्होंने सुधार भी दी थी, क्योंकि इसका है ना लेफ्ट साइड का चल नहीं रहा था वो, ये एक साइड का लेफ्ट साइड का, तो मैंने सुधार दी। बट मैंने बोला नहीं दे दो, उन्होंने कहा नहीं सुधार दिया आपको, इसलिए नहीं नहीं मिलेगी आपको, यही मिलेगी। बट अब मैंने 2-3 दिन यूज़ की, जेसिस की बैटरी ख़त्म हो गई, चार्ज ही नहीं हो रही। तो फिर अभी जाऊँगा सर्विस सेंटर पे मैं कल, अभी तो थोड़ी शाम सी हो गई है, और कल जाऊँगा मैं कि भैया करो इसको ठीक, या फिर नहीं दे दो, फिर मैं थोड़ा बोलूँगा नहीं दे दो यार। बट वे नहीं भी नहीं दे रहे, अच्छे से सुधार भी नहीं दे यार, और यहाँ से काफ़ी दूर भी है सर्विस सेंटर, तो ट्रैफिक में जाओ। अहमदाबाद जैसे सिटी में मेन एरिया में रह रहा हूँ मैं, तो ट्रैफिक इतना नड़ता है बहुत ज़्यादा। और बुलेट पे दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, बुलेट को है ना ट्रैफिक में हैंडल करना थोड़ा पैर हाथ दर्द होने लगते हैं। सो गाइस, यूरा चार्जिंग पे फोन पे लगा अपना कुछ काम कर रहा है, और प्रतीक बोल रहे थे तेरे को पढ़ाई थोड़ी देर, और मम्मी मान रही है बर्तन तो पता नहीं ये बल्ब की वजह से बल्बू जैसा हो रहा है। और घर के नीचे देखिए कितनी सारी कार है, और वो देखिए फर्स्ट वन सो ब्यूटीफुल, और थर्ड वन और फोर्थ वन, थर्ड वन और फोर्थ वन तो एक ही है, मतलब कलर अलग अलग है, पर कलर से काफ़ी डिफरेंट पड़ जाता है, बहुत अच्छी लगती है। सो गाइस, समय हो गया है पाठ पूजा का, पाठ पूजा भी स्टार्ट होगी, मेरे रहा साहिब का पाठ टीवी में लगाऊंगा, यहाँ पे मम्मी करेंगे पाठ और अगरबत्ती करेंगे, तो हम भी मट्ठा टेकेंगे। और ये युवराज पढ़ रहा है, प्रतीक उसे पढ़ा रहा है। The next day. So guys, वॉकिंग कर रहा था मैं, अचानक से भीड़ इकट्ठा हुई मुझे दिखी एक जगह पे, एक एरिया पे, तो मैंने देखा क्या हो रहा है। एक जानता हुआ बंदा था, उसने बुलाया के पास यहाँ पे मैंने क्या हो गया देख के था, तो वहाँ पे किसी ने ग्राउंड के अंदर बंदे जहाँ पे जॉकिंग कर रहे हैं चाय का लंगर स्टार्ट कर दिया, वो बंदा फ्री में चाय दे रहा है, और इतनी भीड़ हो रही है वहाँ पे, बेचारे बाहर करेले के जूस वाले, लौकी के जूस वाले ऐसे खड़े हैं, उन पर कोई नहीं आ रहा, और ग्राउंड में वॉकिंग करते करते सब बंदे चाय पी रहे हैं। ये गुजरात है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सो यार गाइस, जस्ट वॉकिंग करके नहा धो के मैं हो गया हूँ रेडी, और जस्ट जो मेरी वो थी एयरपॉड्स वो बिल्कुल सही है। मैं ऐसी वन प्लस वालों को कुछ का कुछ कह रहा था अपने अंदर, बट वन प्लस वालों ने बिल्कुल सही सर्विस करी थी, एकदम बढ़िया और बिल्कुल ठीक है। और चार्जिंग ऐसा नहीं था, चार्जिंग होने नहीं थी, मेरा चार्जर ही ख़राब था जिसमें मैं चार्जिंग कर रहा था, तो मम्मी ने बोला था ये तो चार्जर ही ख़राब, इसमें क्यों कब से चार्ज करता है, तो वो फिर बाद में दूसरे चार्जर में चार्ज किया तो चार्ज हो गई, तो ये सही है। वाइज अभी मैं खा रहा हूँ फ्रूट, तो मैं ये नहीं कह रहा था पूरा फ्रूट की जो प्लेट आती है 50 रुपये की रोज, तो ये सही है, डाइट में भी सही होती है और हेल्थ के लिए भी बढ़िया है, ये सब फ्रूट आ जाते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा। सो गाइस, जो फ्रूट का पूरी वो थी डिश, उसमें मुझे एप्पल की कमी लग रही थी, तो मैं एप्पल अभी काट के खा लेता हूँ। सो गाइस, आपके भाई ने कहा अपने रूम में साइकिल, जो भी काफ़ी मेन की वजह से मैं साफ करा, तो थोड़ी हवा का मैं हवा डलवाऊँगा और साइकिल हो जाएगी पूरी तैयार, नई साइकिल एकदम, और इसे चलाई नहीं थी मैंने, इस साइकिल को मैंने चलाया नहीं था, और अभी जाकर मैंने कहा जब कोर बंदर से आया था ना, मैंने शिफ्ट कर इसे आकर रख दिया, तो फिर इसमें हवा कम आई, तो मतलब चलाई नहीं थी, रख दी थी, अब मैं सर चलाऊँगा रेगुलरली, क्योंकि पतला होना है, डाइटिंग भी करना है, साइकिलिंग भी जरूरी, एक्सरसाइज भी करते हैं, योगा भी करते हैं, सब करते हैं।